सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रुद्राक्ष क्या है और महिलाएं इसे धारण कर सकती है या नहीं। पुराणों के अनुसार रुद्राक्ष भगवान शिव का अश्रु है, उनकी आंख का आंसू है। जब ये पृथ्वी पे गिरा था उससे जिस वृक्ष की उत्पत्ति हुई उस वृक्ष के फल की गुठली को यानी कि बीज को रुद्राक्ष कहते हैं। ये एक फल की गुठली है, एक फल का बीज होता है। इसकी सबसे ज़्यादा अगर हम पैदावार देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया में होती है। रुद्राक्ष के वृक्ष को एक सदाबहार वनस्पति भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई 50 फीट से लेकर 60 फीट तक की होती है। इस वृक्ष के अगर आप पत्ते देखोगे तो एकदम लंबे होते हैं और एक कठोर तने वाला वृक्ष होता है। इसमें जो फूल लगते हैं वो सफ़ेद होते हैं और इसका जो फल है वो पहले हरा होता है, थोड़ा पकने पर नीला होता है और सर्वाधिक पकने पर ये काला हो जाता है। यही काले फल की गुठली को रुद्राक्ष कहते हैं। इसको अगर आप देखोगे तो उसमें आपको धारियां देखने को मिलेगी, जिस दरार के सदृश जो धारियां देखने को मिलती है। प्रचलित भाषा में यही धारियों को रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है और ये धारियाँ 1 से लेकर 14 तक की हो सकती है, यानी कि 2 धारी है तो 2 मुखी, 1 धारी है तो 1 मुखी, 3 धारी है तो 3 मुखी। पुराणों के अनुसार सबसे ज़्यादा शुभ 1 मुखी रुद्राक्ष को माना जाता है जिसमें 1 धारी हो, क्योंकि पुराणों ने इसको साक्षात शिव का स्वरूप बताया है। 2 मुखी रुद्राक्ष को शिव एवं पार्वती का संयुक्त रूप माना जाता है। दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए रुद्राक्ष को एक सचोट उपाय माना गया है। अगर आप अनिष्ट ग्रहों से परेशान हैं तो आप लोगों को रेशमी लाल धागे में रुद्राक्ष को धारण करके पहनना चाहिए। इससे दुष्ट ग्रहों का प्रभाव शीघ्र कम हो जाता है। अभी रुद्राक्ष को महिलाएं पहन सकती है या नहीं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, महिलाएं रुद्राक्ष को ज़्यादातर नहीं पहनती, शास्त्रों में इसका विधान नहीं है, महिला है रुद्राक्ष नहीं पहनती। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो महिलाओं में भी रुद्राक्ष का प्रचलन बढ़ा है। ज़्यादातर रूप से अगर आप देखेंगे तो जितनी भी साध्वियाँ होती है जिन्होंने दीक्षा ली हुई है वही महिलाएं रुद्राक्ष को धारण कर सकती है और वही करती है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखोगे कई महिलाओं को जो रुद्राक्ष को धारण करे हुए रहती है। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि अगर महिलाएं रुद्राक्ष धारण करना चाहती है तो करे, लेकिन अशुद्धावस्था आने से पूर्व रुद्राक्ष को उतार लेना चाहिए और पुनः शुद्धावस्था जब महिलाएं धारण करे तब उसको पुनः पहनना चाहिए। अगर रुद्राक्ष को पहनना चाहती है तो महिलाएं इस तरह से ही पहन सकती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।